दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद रफशान मुमरा एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। रशीद कंपाउंड के श्रीलंका परिसर में इमारत से गिरा लादी का टुकड़ा, मासूम बच्चे का फट गया सर। जी हां दोस्तों, रशीद कंपाउंड में जो बाईपास का टनल है बिल्कुल उसी के बाजू में एक धोखादायक बिल्डिंग है जिसका नाम रईस अनीस पैलेस है। काफ़ी समय से वो बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है, परंतु स्थानीय लोगों का कहना है कि तीन टेनेंट है एक ही फैमिली के, वो लोग ने जाने से इनकार किया जिसके चलते ये बिल्डिंग को फुल डाउन नहीं किया जा सका। और आज शाम के टाइम पे लगभग 8:30 बजे का वक्त होगा, 8:30-9 बजे का, जब एक मासूम अपने घर के पास से जा रहा था रास्ते से, साथ ही में एक रिक्शा ड्राइवर था उस बच्चे के ऊपर से लादी का टुकड़ा गिरा है, बच्चे का सर जगह पर फट गया और उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों प्रशासन इन लोगों की बात के वजह से इस बिल्डिंग को फुल डाउन नहीं कर रहा है। आज इस बच्चे के सर पर जो लादी का टुकड़ा गिरा उससे किसी की जान भी आगे ऊपर जा सकती है। साथ में ये भी कहना है बिल्डिंग वालों का कि जो टेनेंट रहते थे उन लोगों ने जाने से पहले अपने अपने घरों की लादियाँ और टाइल्स निकाल करके लेकर जाने के वजह से सारी दूसरी जो बिल्डिंग की फ्लोरिंग है वो ढीली हो गई और जिसके चलते ये हादसा हुआ है। आइए देखते हैं क्या कहा उस बच्चे की माँ ने और स्थानीय निवासी ने इस मामले को लेकर। धन्यवाद। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अलीशान। अलीशान, अलीशान ये सर पर आपके चोट कैसे लगी आपको? मैं जा रहा था तो ऊपर से पत्थर गिरे। किधर से? वो ब्रिज के उधर है ना, बिल्डिंग में से। बिल्डिंग में से। मुन्ना भाई, ये बच्चे के साथ में जो हादसा हुआ है आप बता सकते हैं कैसे हुआ है? एक्चुअली मैं भी दुकान पे खड़ा था, ये बच्चा वहाँ से आ रहा था और अचानक मैंने बहुत बड़ी लादी ऊपर से गिरी, वो गिरने की वजह 2 से 3 बार टकरा के गिरी, बोलते वो टुकड़े टुकड़े हो गए, तो टुकड़ा उसके सर पे लगा, मेरे पास आया तो मैं मुंडी हटा ली तो मैं बच गया। लादी कहाँ से गिरी हो? ऊपर 4 माले से। किसी बिल्डिंग से गिरी? बिल्डिंग से। रईस अनीस बिल्डिंग। रईस अनीस। रईस अनीस बिल्डिंग। बिल्डिंग का श्रीलंका परिसर, श्रीलंका अपना यहाँ सिकंदर। और लोग रहते हैं उस बिल्डिंग में? अभी उसमें 4 लोग, 4 फैमिली और है उसमें, बाकी सबने खाली कर दिया। बच्चे की नाम बताओ? नहीं, उसकी मम्मी का नाम। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या हुआ आपके बच्चे के साथ में, सर पर चोट कैसे लगी? कोई मेरे को फोन करा, बोलते कि तुम्हारे बेटे को मार लग गई है, ऐसा बिल्डिंग का काम कर रही है, ऐसा रुका के रखेंगे, ऐसे पत्थर गिरेंगे, आज उसका जान चली जाती तो कौन उसके जिम्मेदार है? कहाँ से गिरा है पत्थर? वो ब्रिज के पास बिल्डिंग है उधर गिरा। तो कितने टाके आए बच्चे के सर पे? बच गए ना, अभी तो टाका नहीं आया है, अभी तो ड्रेसिंग करा है उसने, अभी वो उल्टी उल्टी आ जाएंगी तो अभी ये लोग इस तरह के निकालने जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरीके से खबरों को जानने के लिए मुमरा एक्सप्रेस पर बने रहे, जुड़े रहे और हमें सब्सक्राइब जरूर करें।